वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटो को ढेर सारा प्यार बड़ों को पैरीमोना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2 बजे तक नहा धो के एकदम रेडी, क्योंकि मैं ना आरव का आधार कार्ड बनवाने में लगी हूँ और उसके लिए मुझे आज जाना था, एक जगह और जाना था लेकिन वहाँ का कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा चलो आधार कार्ड का काम पता कर लेते हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा हो गया और इसका आधार कार्ड अभी तक बना नहीं है तो वो पता करवाना है। तो छोटे मोटे और भी काम है, रात को फिर टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट जाकर फटाफट आते हैं इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ और बच्चों के आने का टाइम हो जाए। तो चलिए बाजार के काम फटाफट निपटाते हैं, आइए। ये जिससे मैं आरव की घड़ी लेकर आई थी ना, बदतमीज ने पता नहीं क्या घड़ी दी है, इसने 2-3 बार पहनी है और इसका पट्टा बार बार टूट रहा है। तो आज या तो फाइट होगी या महाभारत, लेकिन आज ये घड़ी चेंज करवा के लाऊंगी मैं। फाइनली जिस काम से मैं गई थी वो काम ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हुआ, पूरा पूरा नहीं हुआ अभी, कन्फर्म नहीं है। और टाइम हो रहा है 4:15 और मैं 2 बजे की गई हूँ, कितना लेट हो गया। मैं लेकर क्या क्या आई हूँ साथ में वो भी बता देती हूँ आपको, ताकि मेरा शाम का चक्कर बच जाए। और अभी मैंने भी खाना खाना है, सबसे बड़ी बात है ब्रूनी को भी खिलाना है, आरव तो खा रहा है अपने आप ही, गुड बॉय ना। तो अभी मैं आपको दिखाऊं मैं लाई क्या क्या हूँ। गाइस ये देखिए, ये एक मैं लाई हूँ अगरबत्ती, और ये ना बहुत खुशबू वाली है, गुलाब की अगरबत्ती है ये। और इसमें है आरव के ओट्स, आरव तेरे ओट्स मिल गए, तेरे फेवरेट वाले, खोलिए इसमें देखिए। और सफोला वाले ही है ना, टाटा और सफोला वाले, हाँ 6 पैकेट ले आई हूँ, ये तेरे इसके ओट्स मिल गए। और ये है दूध और पनीर, और क्या है, हाँ ये है टिश्यू पेपर, माँ की दाल बनाएंगे कल राजमा डाल के, दाल मखनी। ये है चाय में डालने के लिए सौंफ, ओके। और ये मिल गया है हमें साग, और साथ में है केले, और केले के साथ मैं आपको दिखाती हूँ आरव की घड़ी। मेरे हस्बैंड कहते हैं वो घड़ी वाला बदलेगा नहीं, मैं कहा दादा प्यो भी बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। ये देखिए सेम घड़ी लाई हूँ मैं, बट वो उसने चेंज कर दिया, ये देखिए सेम, पहन के देख लो भाई। फटाफट बनाती हूँ रोटी अपनी भी और ब्रूनी की भी, और फटाफट खाना खाते हैं इससे पहले कि बच्चे आ जाएं। और किचन में आपको दिखाऊं, बाकी काम मैं कर गई थी सारा, बट रसोई देखो, ये देखिए बर्तनों का ढेर, ये सिर्फ अभी सुबह के बर्तन हैं जो पड़े हैं, मैं फटाफट खा के ये भी कर लूं वरना ये रात तक पड़े रह जाएंगे। तो आंटी आ नहीं रही ना, बड़ा बुरा हाल है मेरा, पता नहीं आंटी अभी कितने दिनों और छुट्टी पे रहती है, मेरा तो काम इतना बढ़ गया ना आंटी की ना होने से। एक टाइम चाय करने आती है बट फिर भी थोड़ा आधार और सहारा हो ही जाता है। देखिए ब्रूनो और अपना खाना मैंने इकट्ठा एक ही प्लेट में डाल लिया, खाते खाते इसको भी खिलाती रहूंगी फटाफट। तो ये परांठी उसकी और एक मेरी चाय, अचार, खांसी लगे बट अचार तो खाना ही है, और ये रहा इसका खाना। और ये देखो बेहोश सोया पड़ा, कोई लेना देना ही नहीं इसको भूख प्यास से, गधा कहीं का। गाइस फाइनली सारा काम खत्म, 5 बज रहे हैं, बच्चे आ गए, और मैं आपको बताऊं बर्तन कर लिए, साग धो के उबाल दिया, जो मशीन में कपड़े पड़े थे वो धो के धुले हुए थे वो डाल दिए बाहर। तो ये है हमारे काम करने की स्पीड। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, मंदिर में पाठ पूजा हो गई है। ये देखिए पूरी रसोई साफ, कितना बर्तनों का ढेर लगा था चकाचक, यहाँ पर ये साग एक्चुअली इतना बच गया क्योंकि कुकर ऊपर तक भर गया था, तो ये मैंने रिस्क नहीं लिया ओवर करने का और इसको उबाला दिलवा लिया। तो अब रात को बनाएंगे मक्की की रोटी और सरसों का साग, मक्की की रोटी तो कंफर्म नहीं है बट साग कंफर्म्ड है पक्का। हमारी पलटन आ गई, थोड़े थोड़े आ गए, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, हाय तू तो भले हेलो गाइस कर ले, है ना, हेलो गाइस, धुंधला आ रहा है तो खुशहाल अब दिख रहा है क्लियर, अब बोलिए हेलो गाइस, हेलो गाइस से बोल दे, ये बना के देता है मेरे को चाय, है ना। ये देखिए ब्रूनी अपनी जगह पर बैठ गया अंदर आराम से, क्या खा रहा तू, बिस्किट। गाइस हमारी बच्चा पलटन गई 8:30 बजे, आपको पता ना, इसीलिए मैं दिन में अपना काम कोशिश करती हूँ कि निपटा लूं। एक सेकंड कैमरा क्लीन नहीं है, अब थोड़ी क्लियरिटी हुई है, थोड़ा ना ब्लर ब्लर आ रहा था, अब तो कुछ धुआं भी नहीं है। तो मैंने साग दिन में ही उबाल के रख लिया था, बर्तन कर लिए थे फाइनली, नहीं तो बहुत लेट हो जाती है। और अभी बेटी के साथ गुरुद्वारे जाना है, तो मैं अभी सबसे पहला काम कर रही हूँ साग को तड़का लगाना, क्योंकि मैंने पीस के रख लिया, एक तरफ रूम समेट रही एक तरफ साग पीस लिया, तो ये काम मैंने फटाफट कर लिया, टाइम ही नहीं होता यार, 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, बाय गॉड एक दिन में ना कम से कम 36 घंटे होने चाहिए कि थोड़ा आधा पौना घंटा लेटने को भी मिल जाए, जो मिलता ही नहीं है। तो चलिए अभी मैं साग के लिए तड़का तैयार करती हूँ, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, देसी घी। गाइस ये देखिए मैंने जीरा और हींग डाल दिया, और साथ में ये प्याज डाल दिए, जैसे प्याज हल्के से लाल होते हैं मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। गाइस देखिए मैंने नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाले के साथ साग डाल दिया, और मैंने फोन थोड़ा दूर रखा क्योंकि इसमें से पट 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 छींटे उड़ रही हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मक्के का आटा, ताकि ये बहुत कंसिस्टेंटली टेस्टी हो जाए और थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो चलिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा मक्के का आटा। गाइस मक्के का आटा भी डाल दिया, और इसको अच्छे से मैंने हिला दिया क्योंकि एक हाथ से कढ़ाई पकड़ी हुई थी। तो बस अब साग हमारा हो गया है रेडी, अब ये भी मुझे लग रहा है खत्म हो ही जाएगा सुबह तक, क्योंकि कढ़ाई तो आधी हो गई है बनने के बाद। चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद फिर बना लेंगे, अभी इतना सा और रखा है क्योंकि कुकर में ही नहीं आ रहा था तो मैंने रख लिया है, 2 दिन बाद फिर बना लूंगी वरना खराब हो जाएगा। तो हमारा रात का हो गया काम खत्म। मंदिर के बाद में गुरुद्वारे आई, और देखिए पंडित जी ने टीका लगा दिया, पूरा फैल गया यहाँ पर, चलिए गुरुद्वारे मत देखते हैं।
गुरुद्वारे से आ गई हूँ और मैं लेकर आई हूँ साथ में बटर नान साग के साथ। मक्की की रोटी तो मिली नहीं है, देखिए ये देखिए बटर नान विद मक्की की रोटी और साथ में चल रहा है बिग बॉस।